सो हे गाइस, शुभ है यार एंड वेलकम टू न्यूज बॉय शुभ यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एल बी सी यादव की तरफ से। तो रिसेंटली उन्होंने एक ब्लॉग अपलोड किया जहां पर वो ये बताया कि उनके पर्स को एक लड़की ने ठोक दिया था, बाकी वो अपना गलती भी नहीं मान रहे थे। बाकी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो क्या कहे, उस वीडियो का छोटा सा पार्ट आप देखिए। सुबह के देखो कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। एक गाड़ी अपनी ना थूकी साइड में से, आज हमारी लड़ाई बज गई। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कि क्योंकि अच्छा लगता है, ऐसे लड़की थी उस साइड जिससे लड़ाई बज गई मेरी, उसने भाई मेरी पोर्च ठोक दी भाई साइड में से, खींच दी। दिखाऊंगा तो मैं अभी उस साइड से जो पीछे अपना पोर्शन है ना ब्लैक वाला, मतलब जिसके अंदर इंजन होता है बाहर की साइड ब्लैक वाला लगा, तो उसने खींच दिया। तो आवाज़ आई मेरे को भाई, मतलब चलती गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया एक तरीके से, छोटा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। और मेन चीज़ चलो कोई बात नहीं भाई, गाड़ी मार दी, बंदी थी, एक बंदी थी उसमें, उसके साथ में कोई नहीं था, और अपने साथ में थे मतलब एक जना और भाई अर्चित था। तो ऐसा मैं कर लड़ाई वड़ाई तो क्या ही करनी, उसने सॉरी नहीं मांगी। मुझे लगा कि मैं उतरूंगा, उसकी गलती थी, क्योंकि भाई देखो मैं इसलिए बोलता हूँ लेडी ड्राइवर क्या कर रहे हो। उसने आई ना पता क्या देख के चला मैं, क्या ना देख के चला मैं, तो मैंने कि क्या करा ये, तो उतर के आई, तुम्हें देख के चलानी नहीं आती, मतलब वो वाला होता ना सिस्टम फेमिनिज्म वाला कि मेरी गलती नहीं कर, तुम्हें देख के चलानी नहीं आता क्या, इधर इस साइड से लगी है वो, ऐसा ऐसा करने लगी। मैंने भी थोड़ा सा गुस्सा में आ गया, मैंने फिर 3-4 चीज़ सोची। मैंने सोचा अगर मैं ज़्यादा गुस्सा दिखाऊंगा तो यार ये झूठे से इल्जाम लगा दें आजकल के, मेरा क्यों कहते हैं मुझे छेड़ दिया, मेरे को गाड़ी पक दी है, झूठे केस वेस, फिर पुलिस वाले वो अलग चीज़ें, चलो वहाँ तो छूट जाएंगे, पर इन चीज़ों में पटना ही क्यों है ना, किसी से बहसबाजी क्यों करनी है। तो मैंने भी कुछ बोला उल्टा सीधा, मगा चश्मे चढ़ रहे थे, मैंने कहा 4-4 आँख लगा के भी नहीं देख रही तुझे, ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ी वैसे बोली, मैंने कहा पता कितने का सिस्टम है, तुमने वो कर दिया नाश कर दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पुनीत सुपरस्टार की तरफ से। तो रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ लक्ष्य चौधरी की चैनल पे, जहाँ पर वो बिग बॉस के बारे में बात किए हैं, बाकी वो एमसी स्टैन के बारे में बात किए हैं, जहाँ पर वो ये बताएं कि एमसी स्टैन ने उनको मैसेज किया था, और वो ये बोले कि उनको बिग बॉस के द्वारा बोला गया था कि पुनीत सुपरस्टार को क्रिंज बोलने के लिए। तो उस वीडियो का छोटा सा पार्ट आप देखिए। प्रीव्यू देखी थी पिछले साल बिग बॉस के टाइम पे, तुमने एमसी स्टैन को फनी वे में आयरोनिकली जैसे भी किया था प्रमोट किया था, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उल्टा सीधा ने पूरे देश में उसको छपरी छपरी बोला था, बिल्कुल तुमने नहीं बोला था। तो जब वहाँ पे पैनलिस्ट वाला जो सीन हुआ था, एमसी स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या आयरनी हुई नहीं, पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तू मेरे कंटेंट को क्रिंज बोला है तो तू पहले अपना गाना देख, उसका गाना कितने परसेंट लोग सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% गरीब रिक्शे वाले ठेले वाले कवाड़ी और जो गरीब लोग हैं, ये बात तो मानते, और वो अपनी वीडियो में मां-बहन निकाली देता है, ये तुम्हें पता होगा। और आज मेरे को उसका मैसेज आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है पुलिस सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो एमसी स्टैन की वीडियो में जाकर गंदी गंदी गालियां लिख रही है, मां की और बहन की गालियां लिख रही है, तुम वीडियो बोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो बोल रहा है सच भाई, हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है, क्योंकि मुझे ना एमसी स्टैन से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है, टीवी इंडस्ट्री वाला नहीं है, वो यहीं से चढ़ा है। बाकी अगर फुल पॉडकास्ट देखना रहेगा तो आप लोग लक्ष्य चौधरी के चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है वो आ रही है द इको जिसे सुबह राइडर की तरफ से। तो रिसेंटली आज उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जहाँ पर वो लास्ट में ये चीज़ बोले कि वो एक डिस्ट्रक पे काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी वो अपलोड करने वाले हैं। बाकी उस वीडियो का छोटा सा पार्ट देखिए। एक और चीज के अनाउंसमेंट कर ही देता हूं, जब अनाउंसमेंट हो ही रही है सारे ब्लॉग में, 18 सितंबर को उरुस तो आएगी, लेकिन एक डिस्ट्रैक्ट भी आएगा। आज तक मेरे चैनल से कभी डिस्ट्रैक्ट्स नहीं आए ना गाइस, बट एक डिस्ट्रैक्ट पे ना मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था। 18th ऑफ सितंबर को हम लोग वो रिलीज करने वाले हैं, और बम इस साल के एंड तक बम बम छूटते रहेंगे गाइस, एटम बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम। मैं बताऊं जो डिस्ट्रैक्ट आ रहा है ना, इतना ब्रूटल होने वाला ना, जिन्हें पता है उन्हें पता है, मैंने आज तक डिस्ट्रैक्ट्स नहीं निकाले, बट 18 सितंबर को ना डिस्ट्रैक्ट, और वो जो गाना होगा ना वो इतना हार्डकोर होगा ना, सब लोग हिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो किसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट होगा? बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं दूसरे कोई न्यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय।